बसमर रही अलगम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग एफ एस सी फिज़िक्स पार्ट वन चैप्टर सिक्स फ़लूड डायनमिक्स को स्टार्ट करेंगे आइए सबसे पहले हम लोग फ्लूड डायनमिक्स की डेफिनेशन से मुतलिक बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन फ़्लूड डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ़ फिज़िक्स विच ऑफ अ फ्लूड इन अ मोशन फ्लू डाइनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फलूड की मोशन से मुतल बात करेंगे अब अगर हम लोग आगे चल के फ्लूड की डेफिनेशन से मुतलिक बात करें तो फ्लूड इज अनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूड हर वो सब्सटेंस स्टूडेंट जो फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है उसको हम लोग फ्लूड का नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स एंड गैसेज लिक्विड्स एंड गैसेज को आप लोग फ्लूड बोल सकते हैं बिकॉज लिक्विड एंड गैसेज बोथ कैन मूव फ्राम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में हमारे पास ऑयल है वाटर है हनी है एक्स्ट्रा ये तमाम चीज़ें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर सकती हैं तो इनको हम लोग फ्लूड्स का नाम देंगे और अगर हम लोग गैसेस से मुतिक बात करें तो गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ये तमाम गैसेस एक पॉइंट से, दू -से दूसरे पॉइंट तक फ़्लो कर सकती हैं तो इनको भी हम लोग फ्लूड का नाम देंगे स्टूडेंट डिफरेंट फ्लूड्स का फ्लो डिफरेंट होता है किसी भी फ्लूड का फ्लो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है आइए अब लोग अब हम लोग ये नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी इसको हम लोग ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट इज़ विस्कोसिटी द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूड इज कॉल्ड विस्कोसिटी एक फ्लूइंग फ्लूड की डिफरेंट लेयर्स के एटम्स या मालिक्यूल के दरम्यान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की मोशन को अपोज करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं विस्कोसिटी का हर फ्लूड का विस्कोसिटी डिफरेंट होता है हर वो फ्लूड जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उसका फ्लो टिपिकल होगा और हर वो फ्लूड जिसका विस्कोसिटी का वैल्यू कम होगा मीन उसकी लेयर्स के दरम्या में फ्लूइंग फ्लूड की लेयर्स के दरमियान में अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट स्मॉलर होगा उसका विस्क्वासटी कम होगा तो फ्लो जो है उसका ईजी होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो गिलास हैं गिलास के अंदर एक गिलास के अंदर आप लोगों ने पानी डाला हुआ है और दूसरे गिलास के अंदर आपने शहद डाला हुआ है हनी डाला हुआ है अब दोनों ग्लासेस को उठा के आप लोग उंडेल दें उल्टा कर दें तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिस गिलास के अंदर पानी था पानी ईजिली जो है ना वो फ्लो करेगा जबकि जिस गिलास के अंदर शहद था वहाँ से शहद का फ्लो जो है ना टिपिकल होगा बड़ी मुश्किल से वो फ़्लो करेगा अब यहाँ पे पानी जो है उसका विस्कासटी कम है और शहद या हनी का जो विस्कासटी है वो ज़्यादा है शहद का विस्कवासटी ज़्यादा है तो उसका फ़्लो टिपिकल है मुश्किल है और पानी का जो विस्कवासटी है वो शहद की नस्बत कदर कम है तो उसका फ़्लो जो है ईजी है स्टूडेंट यूनिवर्स के अंदर दुनिया के अंदर जो है ना कोई भी ऐसा फ्लूड नहीं है जिसका विस्कासटी जीरो के इक्वल हो नॉन ज़ीरो विस्कासटी किसी भी फ्लूड का नहीं होगा वो फ्लूड ही नहीं होगा जिसका विस्कासटी ज़ीरो के इक्वल होगा मीन कोई ना कोई विस्वासडी एसोसिएट करेगा फ्लूड के साथ अब अगर हम लोग बात करें ड्रैग फोर्स से मतलब तो ड्रैग फोर्स से क्या मुराद है स्टूडेंट जब कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लूड के अक्रॉस मूव करता है तो फ्लूड उस मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है उस पर कोई ना कोई अपोजिशन की फोर्स अप्लाई करता है वो जो अपोजिशन की फोर्स एक फ्लूड मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट करेगा उसको हम लोग नाम देंगे ड्रैग फोर्स का इसको आप लोग डेली लाइफ में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं सपोज़ करें आप लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं और कहीं पे जा रहे हैं आप लोग देखते हैं जब आप मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहे होते हैं तो एयर आपको पीछे की जानेब धकेल रही होती है एक्चुअली आप लोग फ्लूड के करास मूव कर रहे हैं एयर के क्रास मूव कर रहे हैं एयर एक फ्लूड है तो फ्लूड मूविंग ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है यही वजह है कि एयर आपकी मोशन को अपोज करेगा आपकी जो डायरेक्शन आप मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर आप पे कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा उस फोर्स को आप लोग ड्रैग फोर्स का नाम दे सकते हैं तो ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन से मतलब बात करते हैं द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंसड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स एक ऑब्जेक्ट जो फ्लूड के अक्रास मूव करेगा तो उसकी मोशन के दौरान जो फ्लूड उस पर कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स एग्जाइट करेगा उसको आप लोग नाम देंगे ड्रैग फोर्स का अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी ड्रैग फोर्स एग्जाइट होगी या आप यूँ कहें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो फ्लूड के अक्रास मूव कर रहा है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट फ्लूड की वजह से कितनी ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके बारे में ये कैलकुलेशन हमें बताता है स्टोक्स ला अगर हम इसकी स्टेटमेंट से मुतलिक बात करें अकॉर्डिंग टू स्टोक्सला ड्रैग फोर्स ऑन आ सफेयर ऑफ़ अ रेडियस आर स्टूडेंट स्टोक्स ने जो है ना एक ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली ड्रैग फोर्स से मुतलिक हमें बताया और उसने जो ऑब्जेक्ट कंसिडर किया वो सफेरिकल ऑब्जेक्ट था क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जो सबसे ईजी शेप है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला शेप है वो सफ़ेयर है तो स्टोक्स ने भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसने ड्रैग फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए उसकी कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट सपोज किया तो उसने उसको सफेयर कंसिडर किया तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग फोर्स ऑन अ सफेयर ऑफ अ रेडियस आर एक सफेयर जिसका रेडियस आर है उस पर ड्रैग फोर्स कितनी लगेगी मूविंग स्लोली विद स्पीड वी जो कि सम स्पीड वी के साथ मूव कर रहे थ्रू अ फ्लू फ्लूड के अक्रॉस ऑफ अ विस्कोसिटी ईटा उस फ्लूड का विस्कोसिटी ईटा है इज गिवन बाय द स्टोक्स ला हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास एक सफेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस आर है और वो स्लोली स्पीड वी के साथ मूव कर रहा है थ्रू अ फ्लूड उस, उस फ्लूड का जो विस्कोसिटी है वो ईटा है तो उस पर कितनी ड्रैग फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ वो ड्रैग फोर्स हमारे पास इक्वल होगी एफ डी इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी ये ड्रैग फोर्स इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगी ये कैलकुलेटेड फार्मूला है ड्राइव फार्मूला है आपने इसको एज इट याद कर लेने अब यहां पे अगर हम लोग बात करें एफ डी इज अ ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ ऑफ अ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू द स्टूडेंट है ईटा ईटा व्हाट्स द विस्कोसिटी फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लेड एंड व्हाट्स अ आर आर इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट्स अ वी वी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद विच इट्स अ मूविंग थ्रू अ फ्लू अगर हम लोग इस ड्रैग फोर्स की डिपेंडेंस से मुलिक बात करें स्टूडेंट तो जरा गौर से देखें आप यहाँ से एक्सप्रेशन से देख सकते हैं ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट लेस इज लेस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट अगर आप एक फ़्लूड केक्रास मूव करें और उस फ्लूड का विस्कॉसटी अगर ज़्यादा है तो वो फ्लूड आप पे ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करेगा और अगर आप एक ऐसे फ्लूड केक्रास मूव करें जिसका विस्क्वासटी स्मॉल है तो आप उस फ्लूड की वजह से जो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो भी निगलिजिबल होगी स्माल होगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम है सपोज कर लें इस रूम के अंदर हम लोगों ने एयर को फिल कर दिया सी बात है यहाँ पर एयर है तो यहाँ पे चलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एयर है इसका विस्क्वासटी कम है तो ये एयर हम पे कम ड्रैग फोर्स लगाएगा इसमें चलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर इस एयर की बजाय इस रूम को मैं वाटर से फिल कर दूँ तो वाटर का विस्कवासटी एयर की नस्बत कदरे बेहतर है ज़्यादा है तो यहाँ पर इस रूम के अंदर चलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है अब वाटर की बजाय अगर मैं इस रूम को हनी से फिल कर दूं, शहद से फिल कर दूं और आप आप मुझसे कहें कि सर अब क्या फ़ील कर रहे हैं आप तो देखें अब अगर ये हनी से फिल कर दिया ये सारा रूम मैंने तो यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हनी का जो विस्कॉस्टी है वो एयर और वाटर की नस्बत बहुत ज़्यादा है यही वजह है कि हनी मूविंग ऑब्जेक्ट पे रिटार्डिंग फोर्स जो ड्रैग फोर्स है वो भी ज़्यादा एग्जाइट करेगा तो वहाँ पर आपका जो मूवमेंट है वो टिपिकल हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आर की तो ड्रैग फोर्स यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है रेडियस बड़ा है तो उस पर वो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा और अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज़ कम है तो वो ड्रैग फोर्स भी कम एक्सपीरियंस करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हूँ मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है मेरा कोई दोस्त मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझ पर कोई ड्रैग फोर्स लग रही है लेकिन अगर मैं अपने हाथों को ऐसे फैला लूँ अब मेरा साइज़ बढ़ गया है तो आप फील करेंगे कि इस जब मैंने हाथों को फैलाया है मुझ पर एयर जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगी कतरे उस वक्त जब मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच नहीं किया हुआ था या फिर यूँ सपोज करें कि आप मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं मोटरसाइकिल कोई आपका दोस्त ड्राइव कर रहा है और आपने पीछे कोई ये वाला जो बोर्ड है वाइट बोर्ड ये उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया अब चूंकि आपका साइज़ बढ़ गया है तो आपके लिए इसको पकड़ के बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका साइज़ बढ़ गया है तो फ्लूड आप पे ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा मोर इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मोर इज द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट लेस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेस इज द ड्रैक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एफ डी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ये स्पीड के भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल है अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लूड के क्रास मूव करा उसका स्पीड अगर ज्यादा है तो फ्लूड उस पर ड्रैक फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है तो उस पर जो ड्रैक फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू भी कम होगी आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं उसका स्पीड नॉर्मल है कम है तो आप देखेंगे कि एयर आपको कम फोर्स के साथ पीछे की जानब धकेलेगी लेकिन अगर आप लोग मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ा देते हैं ज़्यादा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो एयर है आपको ज़्यादा फोर्स के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी तो यही है कि मोर इज द स्पीड मोर इज द ड्रैग फोर्स लेस इज़ द स्पीड लेस इज़ द ड्रैग फोर्स नेक्स्ट अगर हम लोग फ्लूड फ्लो से मुतिक बात करें तो फ्लूड दो तरह से फ्लो कर सकता है स्टूडेंट पहली इसकी टाइप है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो का मतलब है कॉन्स्टेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, रेगुलर फ्लो, या इसको स्टेडी फ्लो का भी नाम देते हैं इसकी एग्जाम्पल ये है कि आप लोग असेंबली हॉल के अंदर मौजूद हैं असेंबली एंड होती है और आपसे कहा जाता है कि अपनी क्लासेस में जाएं तो आप क्या करेंगे कतार बना कर जाएँगे एक सीक्वेंस में जाएंगे एक स्टूडेंट लीड करेगा बाकी तमाम स्टूडेंट उसको लैग करेंगे उसको फॉलो करेंगे एक किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो पाथ अर्लियर स्टूडेंट फॉलो करेगा उसके बाद आने वाले तमाम स्टूडेंट भी उसी पाथ को फॉलो करेंगे तो उनका जो फ़्लो होगा वो लैमिनर फ्लो होगा कांस्टेंट फ्लो होगा रेगुलर फ़्लो होगा अगर हम लोग फ्लूड की बात करें कि यहाँ पे एक फ्लूड का पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके बाद तमाम आने वाले पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेंगे जो प्रीवियस पार्टिकल ने प्रीवियस मालिक्यूल ऑफ फ्लूड ने फॉलो किया था तो ये वाला जो फ्लो होगा ये हमारे पास लेमिनर फ्लो होगा अगर हम लोग सेकेंड टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है इरेगुलर फ़्लो अनस्टडी फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो को आप लोग टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं इसकी एग्जांपल अगेन ये है कि तमाम स्टूडेंट असम्बली हॉल के अंदर मौजूद हैं और आपसे अचानक कह दिया जाता है कि आपको आज छुट्टी है तो कोई भी स्टूडेंट सीक्वेंस में नहीं जाएगा कतार बना के क्लासरूम में नहीं जाएगा बल्कि तमाम स्टूडेंट में भगदड़ सी मच जाएगी कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा किसी की कोई यूनीफार्म डायरेक्शन नहीं होगी तो इस टाइप ऑफ फ्लो को आप लोग अनस्टीडी लो फ़्लो का नाम दे सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे सकते हैं इट मींस डेट अगर हम लोग फ्लूड से मुतलिक बात करें कि ये एक पार्टिकल यहाँ पे फ्लू कर रहा था या यहाँ पे ये कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था फ्लूड का और इसके रस्ते में कोई रुकावट आ गई है कोई कंकर आ गया पत्थर आ गया तो ये फ्लूड का जो फ्लो है वो लैमिनर नहीं रहेगा बल्कि कैसा हो जाएगा टर्बुलेंट हो जाएगा तो ये था हमारा आज का इंट्रो लेक्चर आल बोर्डा फ्लू डायनामिक्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा